अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रामीण टेक। और साथ में मैं हूं रुबीउल हसन। आज की वीडियो में बैंक मास्कार्ट एटीएम मशीन की मदद से अपना अकाउंट से दूसरा कोई को अकाउंट में रियल भेजने का तरीका बता दूंगा। अगर आपने आपकी अकाउंट से दूसरा आदमी की अकाउंट में रियल भेजने चाहता है तो इस वीडियो आपके लिए जरूर है। दोस्तों, मेरा वीडियो की कॉर्नर में आई बटन में क्लिक करिए, नहीं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए। यहाँ बैंक मास्कार्ट एटीएम सीडीएम और मोबाइल बैंकिंग की बारे में बहुत सारे वीडियो की लिंक मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इस वीडियो में एक लाइक कीजिए और कमेंट करिए, और आप लोगों के दोस्त लोग के साथ शेयर करिए, क्योंकि आपकी एक शेयर की वजह से बहुत सारे आदमी इस वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हूँ। दोस्तों, मैं अभी बैंक मास्कार्ट एटीएम मशीन के पास आ चुके हैं। अभी मैं मेरा अकाउंट से मेरा दोस्त की अकाउंट में रियल ट्रांसफ़र करेगा। अगर आप आपकी अकाउंट से दूसरा आदमी की अकाउंट में रियल ट्रांसफ़र करना चाहता है तो इस वीडियो को पहले से आखिर तक देखिए तो मालूम कर सकते हैं कैसे बहुत आसानी से अपना अकाउंट से दूसरा अकाउंट में रियल ट्रांसफ़र करते हैं। इसलिए पहले एटीएम मशीन में कार्ड डालना चाहिए। कार्ड डालने का तरीका देखिए, कार्ड की चिप वाला साइड ऊपर रख के डालना चाहिए। मशीन में जब कार्ड एक्सपायर होगा इसके बाद अभी यहाँ से लैंग्वेज सिलेक्ट करना चाहिए। मैं इंग्लिश सिलेक्ट किया। इसके बाद थोड़ा टाइम लोडिंग लगेगा। लोडिंग लाने के बाद अभी एटीएम कार्ड की पिन कोड डालना मांगता है। मैं मेरा कार्ड की पिन कोड डालता हूँ। पिन कोड डालने के बाद थोड़ा टाइम लोडिंग लगेगा। लोडिंग लाने के बाद ऐसा एक पेज आ जाएगा, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं। तो यहाँ से दूसरा आदमी की अकाउंट में रियल ट्रांसफ़र करने के लिए देखिए, स्क्रीन की राइट साइड में ऊपर है फंड ट्रांसफ़र। आप लोगों ने फंड ट्रांसफ़र ऑप्शन में क्लिक कीजिए। फंड ट्रांसफ़र में क्लिक करने के बाद ऐसा एक पेज आ जाएगा। इसमें और चार ऑप्शन आ चुके हैं। स्क्रीन की ऊपर है योर लिंकेड अकाउंट, इसके नीचे है आधार बैंक मास्कार्ट अकाउंट। आधार बैंक मास्कार्ट अकाउंट की मदद से आपने बैंक मास्कार्ट की दूसरा अकाउंट में रियल भेज सकते हैं। इसके बाद नीचे है आधार बैंक अकाउंट इन ओमन, तो इसी ऑप्शन की मदद से आपने यहाँ से दूसरा बैंक अकाउंट में रियल भेज सकते हैं। तो मैं यहाँ से बैंक मास्कार्ट की दूसरा अकाउंट में रियल भेजेगा, इसलिए देखिए आधार बैंक मास्कार्ट अकाउंट में क्लिक करना चाहिए। आधार बैंक मास्कार्ट अकाउंट में क्लिक करने के बाद ऐसा एक पेज आ जाएगा। तो आपने जिसकी अकाउंट में रियल सेंड करना चाहता है उसकी अकाउंट नंबर इसमें लिखना चाहिए। तो मैं मेरा दोस्त की अकाउंट नंबर लिखता हूँ। अकाउंट नंबर डालने के बाद स्क्रीन की राइट साइड में कॉन्फर्म ऑप्शन में क्लिक कीजिए। इसके बाद थोड़ा टाइम लोडिंग लगेगा। लोडिंग होने के बाद ऐसा एक पेज आ जाएगा। आपने जिसकी अकाउंट में रियल ट्रांसफ़र करना चाहता है यहाँ से उसकी अकाउंट नंबर और नाम दोनों कन्फर्म करना चाहिए। अगर इसमें कुछ गड़बड़ है तो आप यहाँ से कैंसिल में क्लिक करके बैक जा सकते हैं। तो यहाँ मेरा सब कुछ बराबर है, इसीलिए मैं प्रोसेसड में क्लिक करता हूँ। प्रोसेसड में क्लिक करने के बाद थोड़ा टाइम लोडिंग लगेगा। लोडिंग लाने के बाद ऐसा एक पेज आ जाएगा। आपने यहां से जितना रियल ट्रांसफ़र करना चाहता है तो इसमें अमाउंट डालना चाहिए। मैं मेरा दोस्त की अकाउंट में 10 रियल 200 पैसा ट्रांसफ़र करेगा, इसलिए मैं लिखता हूं 1 0 2 0 0। तो मैं इसमें 10 रियल 200 पैसा टाइपिंग कर दिया। इसके बाद नीचे कन्फर्म बटन में क्लिक करता हूँ। कन्फर्म बटन में क्लिक करने के बाद थोड़ा टाइम लोडिंग लगेगा, वेट करिए। लोडिंग लाने के बाद स्क्रीन में ट्रांजेक्शन कम्प्लीटेड सक्सेसफुली बता रहा है। इसके बाद मशीन की ऊपर से एक रिसिप्ट आ चुके हैं। इस रिसिप्ट में सारा डिटेल्स मिल जाएगा, मैं अपना अकाउंट से दूसरा अकाउंट में कितना रियल ट्रांसफ़र किया। दोस्तों, इसी तरीका में अपना अकाउंट से दूसरा अकाउंट में रियल ट्रांसफ़र करते हैं। अगर इस वीडियो से आप लोगों ने थोड़ा भी कुछ सीखे तो एक लाइक कीजिए और कॉमेंट करिए, और आप लोगों के दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज की वीडियो इस तक, खुदा हाफिज़।